एजम्पशन ऑफ सोशल ग्रुप वर्क पढ़ेंगे। तो कॉयल ने जो दिए थे उन्हीं पैरामीटर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी बुक में और भी दे रखे होंगे, लेकिन बेसिक अगर यहाँ से पढ़ लोगे तो उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। पहला जो इनका एजम्पशन था वो था वैल्यू लीजर टाइम, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ें तो इसका मतलब खुद पता है, वैल्यू मतलब वो काम, वो टाइम जो जिसकी वैल्यूबल हो, लीजर का मतलब होता है खाली टाइम, ठीक है ना। तो सोशल ग्रुप वर्क का प्रिंसिपल करता है वैल्यू, मतलब कि उसको एजुकेशन की तो ज़रूरत है ही, ठीक है, लेकिन जो लीजर मतलब उसका जो खाली टाइम है, ठीक है, खाली टाइम में क्या करेगा वो, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक, तभी तो कहते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, जब ये दोनों होंगी एजुकेशन प्लस रिक्रिएशनल एक्टिविटी, तभी क्या होगा उसका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और एक बार उसकी पर्सनालिटी अगर डेवलप्ड हो गई तो उसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो अपने आप ही अपना पोटेंशियल को इन्हेंस कर देगा, ठीक है। तो पहला हमारा अजम्पशन ये रहता है कि सोशल ग्रुप वर्क, ठीक है, फर्म बिलीव इन द वैल्यू लेजर टाइम, उसको ऐसे डिस्क्राइब कर देते हैं। दूसरा उनका क्या होता है सोशल, ये सब किसे कॉयल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला कि दो तरह के सोशल ग्रुप वर्क में अजम्पशन होते हैं। पहला जो होता है कि हम एक्टिविटी, ठीक है ना, एक्टिविटी में क्या हुआ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, सिंगिंग हो गया, ठीक है ना, डांसिंग हो गई, एक तरफ तो हम एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है, और जो दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि उन एक्टिविटी से, ठीक है ना, सोशल रिलेशनशिप क्या हो रहा है। तो मतलब मैं लिख दूँ, इंटरप्ले ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे कि सोशल ग्रुप वर्क बिलीव, ठीक है, इन टू अजम्पशन, ठीक है। क्या फर्स्ट क्या है कि ऑन द वन हैंड इट बिलीव्स ऑन एक्टिविटी विच लीड टू स्पोर्ट्स सिंगिंग डांसिंग एक्सेट्रा, एंड ऑन द अदर हैंड वी सी द इंटरप्ले ऑफ सोशल रिलेशनशिप विच इज वेरी मस्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। तीसरा क्या अजम्पशन है हमारा, तीसरा अजम्पशन ये है कि जो भी हमारा, हम क्या कहते हैं, अप्रोच करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है ना, तो वो एक्टिविटी सेंटर्ड ना होके जो हमारा सोशल ग्रुप वर्कर है, जो वहाँ पे ट्रेन पर्सन जो कराएगा, ठीक है ना, उसका, उससे ज़्यादा सेंट्रिक होनी चाहिए। तो सोशल ग्रुप सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि एक्टिविटी सेंट्रिक। अभी देखो मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, हम ये अजम्पशन क्यों मानते हैं। देखो अगर एक्टिविटी सेंट्रिक हो गई, मान लो हम उसको कोई गेम खिला रहे हैं, वो गेम ही खेल रहा है, वो सोच रहा है कि उसका मतलब इस ग्रुप में आ गया कि गेम ही खेले, इंजॉय करते रहे, ठीक है, लेकिन हमारा मकसद ये थोड़ी था। तो हमारा एक्टिविटी सेंट्रिक ना होके क्या होना चाहिए, सोशल ग्रुप वर्कर सेंट्रिक होना चाहिए। उसकी जो आइडियोलॉजी है, जो उसने नॉर्म्स लगाए हैं ग्रुप को बनाने के लिए, वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये तो सेकेंडरी थिंग्स है कि एक्टिविटी कराना, ये मेन बेसिक थिंग क्या है हमारी कि सोशल ग्रुप वर्कर सेंट्रिक अप्रोच हम वहाँ पे करते हैं। ये तीन अजम्पशन हो गए। चौथा अजम्पशन क्या है, बहुत सिंपल है कि जो ग्रुप वर्कर होता है, ठीक है, चौथा अजम्पशन है जो सोशल ग्रुप वर्कर है, ठीक है, ये वर्क नहीं है, वर्कर है मतलब जो आदमी वहाँ पे करेगा, ठीक है, सोशल ग्रुप वर्कर जो है वो वेल अवेयर होता है इमोशनल, ठीक है ना, सोशल और फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप। मतलब ये आदमी पूरा अवेयर होगा कि क्या फिजिकल नीड है आपके ग्रुप के मेंबर की, क्या उनके इंटेलेक्चुअल मतलब कितनी उनकी बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक क्षमता है, ठीक है, क्या उनकी टीम स्पिरिट है, ठीक है, इन सब चीज़ों से वो वेल अवेयर होता है, क्योंकि जब अवेयर होगा तभी तो ग्रुप बनाएगा। तो ये चौथा अजम्पशन हुआ। पांचवा अजम्पशन सिंपल है कि अगर ग्रुप वर्क जो करता है हेल्प करता है, ठीक है ना, किसी भी इंडिविजुअल को उसके रिक्रिएशनल एक्टिविटी में, एजुकेशन में, ठीक है, तो ये बहुत ही फ्रूटफुल माना जाता है कि उसके बिहेवियर को समझने के लिए, ठीक है। तो अगर इसको समअप करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि पांचवा अजम्पशन कहता है कि जो सोशल ग्रुप वर्कर की, ठीक है ना, जो एक्टिविटीज़ होंगी वर्कर की एक्टिविटी, ठीक है, जो करवाएगा वो
आपके ग्रुप के मेंबर के बिहेवियर को समझने में सबसे ज़्यादा सहायक होंगी। ठीक है, तो ये पांच एजम्पशन दिए थे किसने, कॉल ने, ये सारे एजम्पशन लिख देंगे। इसके बाद वही हमारे भाई साहब भारत के पीडी मिश्रा, इन्होंने भी अपने एजम्पशन दिए, कम से कम 12 एजम्पशन दिए हैं। उनको भी अगर आपके पास कोई दूसरी बुक फॉलो कर रहे हो तो आप उससे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखो चाहे वो लिखो, इसको भी डिस्क्राइब करोगे तो मिलने आपको 1.5 पेज ही है लिखने के लिए। ठीक है, ये ज़्यादा मेरे को लगता है कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी पूरी हो रही है जम्सन की। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं सोशल ग्रुप वर्क के। तो ऑब्जेक्टिव क्या 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 हैं सोशल ग्रुप वर्क के, पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये करेक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ठीक है ना, कैसे ग्रुप में जो होगा वो एक इंडिविजुअल तो है ही ग्रुप में। ठीक है, फिर वो जो ग्रुप है वो भी किसी सोसाइटी के पार्ट है ना, तो उस सोसाइटी का भी करेक्ट रिलेशनशिप करेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये एडवांस करता है। ठीक है, ये एडवांस इसी में आ जाएगा तो उसको अलग से लिखूँ मैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखो हमारा क्या है कि जो मास्लो का मैंने हायरार्की ऑफ नीड मॉडल पढ़ाया था तो उसकी शुरू की कौन कौन सी थी याद करने का तरीका बताया था, बी ऐसे, तो ऐसे क्या आता था अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या बोला है उसने कि हर आदमी को एक ग्रुप चाहिए, तो यहाँ मास्लो का थोड़ा एग्जांपल देंगे। देखो जो मैंने ये ऐसे हायरार्की बताई थी, बी से बायोलॉजिकल नीड होती है, ठीक है, ऐसे उससे सिक्योरिटी चाहिए होती है, ए से अटैचमेंट चाहिए होता है। ठीक है, फिर आगे और भी नीड थी, याद है वो डायग्राम शुरू के तीसरे चौथे लेक्चर में है वो। तो हमें यहाँ से पता चला कि हर आदमी को क्या चाहिए, अटैचमेंट। और अटैचमेंट ही क्या होता है कि अटैच मतलब उससे किसी से अटैच होना, किससे अटैच होगा, ग्रुप से ही तो अटैच होगा। ठीक है, तो यही हमने सोशल ग्रुप वर्क का ऑब्जेक्टिव बना लिया कि किसी भी आदमी को, ठीक है ना, ये एक आदमी है, अगर इसको ग्रो करना है, ठीक है, तो उसको एक अटैचमेंट चाहिए, और अटैचमेंट ही क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कि बाय द ग्रुप वी कैन प्रोवाइड अटैचमेंट एंड अटैचमेंट विल एनहांस द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि ये इन्वोक करता है ए सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। देखो कोई एक आदमी है, ठीक है, आइसोलेशन में पड़ा है, मतलब ही नहीं है, खाता पीता सो जाता है। ठीक है, जब तक इसे ग्रुप में पता आएगा नहीं ना, इसको पता नहीं चलेगा कि उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, हम सभी को पढ़ने लिखने के सिवाय बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम सोसाइटी को क्या दें। ठीक है, इस चीज़ में तो अभी हम सोच ही नहीं पाते, अभी हम इधर ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जब हम ग्रुप बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन को पैदा करना। ठीक है, चौथा ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। ये ऐसे कैसे लिख देना पॉइंट से, कैपेसिटी बिल्डिंग करना किसकी, इंडिविजुअल की और ग्रुप की भी, तो एक तरीके से सोसाइटी की हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मत बोलना कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने लग गए, वो अलग है टॉपिक। अब पांचवा क्या है इसका, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रखे हैं, ठीक है ना, वो किसी में कुछ अच्छा है किसी में कुछ अच्छा है, तो और रिसोर्सेज जो हैं टुगेदर हम कर सकते हैं ग्रेट थिंग जो मैंने बताया था, तो उसी का यूटिलाइजेशन करना है। अगला जो है छठा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इसी में लिखते हैं, इन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, तो पूरा हो गया कि एफिशिएंट मैनर में आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, अब छठा आया, ऊपर लिखता हूँ मैं। ठीक है, छठा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ एलिनेशन एंड सोशल आइसोलेशन। ठीक है ना, जैसे कि ये एक ट्राइबल ग्रुप है, ये आइसोलेशन में रहता है, इसके संग क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, सोशल जस्टिस नहीं हो पा रहा है इसके संग, सोशल जस्टिस का मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स को सही से पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है,
तो सोशल ग्रुप वर्कर में क्या करेंगे, हम इन लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना, इनको हम मोटिवेट करेंगे, ठीक है, कि आप कुछ चीज़ समझें, गेम गेम के थ्रू हम इनके अंदर अवेयरनेस पैदा करेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे तो ये खुद ही क्या करेंगे, सरकार के सामने अपनी प्रॉब्लम रखेंगे, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो सबके मिलने से, मान लो ये है, ये छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस ग्रुप में प्रॉब्लम है फूड सिक्योरिटी की, लेकिन जब हमने पूरा ग्रुप बनाया तो पता चला कि एक जो है वो दूध वाला है, मिल्क मैन है, ठीक है, एक के पास एग्रीकल्चर अच्छा होता है, एक के पास फिशरीज अच्छी है, एक के पास पोल्ट्री का अच्छा है, ठीक है ना, अब हम इन सबको मिला के गेम करके सिखा दें कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये इसको दे, ये इसको, इसको दे, इसको, इसको दे, इसको दे, तो इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो गया ना, तो छोटे से लेवल में हमने क्या फूड सिक्योरिटी को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी छोटे छोटे एग्जाम्पल सोचना है ना, अपने को 360 डिग्री घुमाना है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन सीधे आएगा कि सोशल ग्रुप वर्कर का एक प्रॉब्लम रख देंगे कि अब बताओ ये कैसे वर्कआउट करेगा, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, तो उसी प्रॉब्लम को छोटी छोटी चीज़ें उसकी पकड़नी है कि ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हम गेम खिला सकते हैं जिनके अंदर यूनिटी की भावना आ जाए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की भावना आ जाए, मोटिवेट करने की भावना आ जाए, बस उसके बाद हम खिसक लेंगे, बाकी फिर ग्रुप तो अपना काम कर ही लेगा, तो यही उनका सोशल आइसोलेशन दूर करना, ठीक है, और क्या होता है ग्रुप का ऑब्जेक्टिव, सोशल ग्रुप वर्क का ऑब्जेक्टिव होता है और कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का करना, इंडिविजुअल करना, डायनामिक रिलेशनशिप करना, तो वही पुरानी बातें आ रही हैं, सुन लो खाली, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है ये क्या है, एटीट्यूड प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, ठीक है, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम, इनएक्टिविटी, अपने पे सोच के देखो, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ होंगी आपके अंदर, कन्फ्लिक्ट, डिपेंडेंसी, ठीक है, एस्केपिज्म, भाग जाना हर जगह से, ठीक है, देखो कोई अकेला आदमी है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है मान लो, ठीक है, उसके एटीट्यूड की प्रॉब्लम जो है एक ही तरह सॉल्व हो सकती है, उसको ऐसे ग्रुप में डाल दो जहाँ पे उसे लगे कि अरे मार्केट में उससे बड़े बड़े ये शेयर है, तो और भी सवा शेयर लोग बैठे हैं, कोई वो एक अलग से एक धरती पैदा हुआ नहीं है वो आदमी, ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें, फिर वो गेम खेलेगा, पहले दिन मना करेगा कि मैं इन लोगों के संग नहीं खेलता, मेरा स्टैंडर्ड है, फिर धीरे 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 वो जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, तो रिलेशन उसका पहले सरफेस वाला रिलेशन होगा, फिर और ज़्यादा हो जाएगा, फिर म्यूचुअल हो जाएगा, फिर लास्ट में यूनिटी वाला हो जाएगा, ठीक है, तो उस तरीके से वो उनमें रम जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से उसकी एटीट्यूडनल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक आदमी है गजनी बना रहता है, हमेशा इनएक्टिव है, उसे पता ही नहीं करना क्या है, उसको ग्रुप में डालो, देखो क्या एक्टिविटी कर सकता है, कन्फ्लिक्ट है, घर में लड़ रहा है, पत्नी से लड़ रहा है, सब कुछ लड़ रहा है, ग्रुप में जाके देखे कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी प्रॉब्लम से उठ चुके हैं, तो उनसे सीख सकता है वो, डिपेंडेंसी खत्म हो सकती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रॉब्लम से भागना ये सब छोड़ के बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि खासकर इन प्रॉब्लमों को तो दूर करना, ठीक है, और हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, 7 ऑब्जेक्टिव हो गए, 8वां ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा कि जो सोशल वुलनरेबिलिटी है, ठीक है ना, मतलब जो हमारे वुलनरेबल ग्रुप होते हैं, वुलनरेबल ग्रुप ग्रुप में कौन कौन सा आते हैं, मेनली ओल्ड होते हैं, वुमेन होती है, ठीक है, ऑल चिल्ड्रेंस होते हैं, यूथ, ठीक है, तो ये बहुत वुलनरेबल ग्रुप कहलाते हैं, इन लोगों को ग्रुप के अकॉर्डिंग सहायता करना, तो ये सारे हमारे हो गए। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि आप स्लम ड्वेलर्स, ठीक है ना, स्लम ड्वेलर्स समझते हो ना, जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं बेचारे, उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सोशल ग्रुप वर्कर क्या क्या अप्रोचे ले सकता है और कैसे उस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे जब मैं इसकी प्रोसेस बताऊंगा ना तो वहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा, तो इस टाइप की ना अब मन मनो खुद सोचो कि किस प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम ग्रुप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क, प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क, ठीक है, प्रिंसिपल में पॉइंटों के पॉइंट पॉइंट में आपको लिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बताना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रिंसिपल वहाँ पे याद नहीं आएंगे, लेकिन ये कहानी सुन के ना वो प्रिंसिपल अपना आप बना लोगे। तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि प्रिंसिपल बनाने से पहले हमें देखता है कि जो हमारी ग्रुप फॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो भी हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना, ये डेमोक्रेटिक वे में बनना चाहिए, सबकी सुननी है हमें, किसी एक को, यानी कि हालांकि हम उस ग्रुप में किसी को कैप्टन बनाएंगे कोई कोई एक्टिविटी में, यानी कैप्टन उसी एक्टिविटी के लिए, यानी कि बाद में आके पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है, ठीक है, ग्रुपिज्म, ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बन जाते हैं, ये भी हमें नहीं होने देना है, ठीक है ना, और क्या होता है, ग्रुप के अंदर कुछ रिलेशन इतने दो लोगों के अंदर रिलेशन बन गए, वो सबको नेगलेक्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ें छोड़नी है, ठीक है ना, यही सब प्रिंसिपल बनते जाएंगे। और क्या करना है हमें, ग्रुप के अंदर एक हेल्दी
और पर्पसफुल रिलेशन बनाना है किस किस के बीच में, ग्रुप और जो सोशल ग्रुप वर्कर होगा, जो आदमी होगा वहां पे, ठीक है ना। और क्या करना है हमें, इंडिविजुअलाइजेशन करना है, ठीक है, मतलब ग्रुप एज ए टीम तो काम करेगी लेकिन हर सारे इंडिविजुअल को उतना ही महत्व देना है जितना कि सब है, किसी को नहीं लगे कि किसी के संग बायसनेस होनी है, ठीक है ना। उनकी ओन आइडेंटिटी इसको बचाए रखना है हमें, ठीक है। फिर स्पिरिट ऑफ बिलोंगिंगनेस जिसको बोलते हैं वी फीलिंग, इसको नहीं मरने देना है। अगर ये मर गई ना वी फीलिंग तो ग्रुप बनाने का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। और क्या करना है, डेमोक्रेसी ने बता दिया, और कि जो वहाँ पे लोग हैं ना उनको फ्रीडम होनी चाहिए अपने एक्ट को खुद डिसाइड करने की। हालांकि हम रूल और कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाएंगे कि ग्रुप के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो भी फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है उनको। और क्या होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होना चाहिए कि ये मान लो फार्मूला हमने बना दिया कि इसी फार्मूले से हमें सॉल्यूशन निकालना, ना ये जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, चेंज होते रहना चाहिए। क्योंकि हमें जो हमारे ग्रुप में लोग आ रहे हैं उनका नेचर जो है ना, इन लोगों का जो पब्लिक आएगी इनका नेचर हमें धीरे धीरे पता चलेगा, स्लोली स्लोली, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने मेथड को एडवांस करते रहेंगे। अगर हमने मेथड कर दिया कि नहीं यही मेथड लगना है तो हमारा सोशल ग्रुप वर्क का पूरा मोटो ही खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो गोल्स होते हैं शॉर्ट में लेंगे तो गोल्स ये क्या है, अडेप्टेबल होने चाहिए, ना फ्लेक्सिबल होने चाहिए हमारे गोल, फिक्स नहीं होने चाहिए कभी भी गोल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फिर और क्या होना चाहिए, फीडबैक भी हमें पूरा लेना चाहिए, ठीक है ना। फीडबैक के बाद जो अगर हमें लग रहा है कि जो सजेशन अच्छा है तो उस सजेशन को अडॉप्ट करो, अगली बार वो गलती ना होने दो। तो सोचो आपने एक फुटबॉल टीम बनानी है तो आप किस किस को लोगे, सबकी राय सुनोगे, रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, इंडिविजुअलाइजेशन की हाँ भाई सबको मौका मिला, वी फीलिंग होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब ये पूरा हमारे पास फ्रेम है दिमाग में, तो इसके ये फ्रेम याद रहेगा ना, तो अब देखो अपना भी प्रिंसिपल इसके निकालोगे। पहले प्रिंसिपल लिख देता तो तुम उसको रट्टे और भूल भी जाते, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम प्रिंसिपल लिखते हैं इस कहानी पे, सारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अब उस कहानी के बाद देखो प्रिंसिपल क्या लिखना है, वो कहानी नहीं लिखनी, उसको दिमाग रखना है। पहला प्रिंसिपल है प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखना है, जो मैंने कहानी बताई थी उसको पीछे जाओ, वहां पे देखो मैंने बोला था प्लान्ड ग्रुप इंफॉर्मेशन। दूसरा है हमारा पर्पसफुल वर्कर ग्रुप रिलेशन, ये प्रिंसिपल है, हेडिंग डालना इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देना। तीसरा है स्पेसिफिक एंड क्लियर ऑब्जेक्टिव, आप जो ऑब्जेक्टिव है एकदम क्लियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रुप। बुड्ढों का ग्रुप है तो उस टाइप की प्रॉब्लम, बच्चों का है तो उस टाइप की, वीडोज का ग्रुप है तो उस टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है। चौथा है गाइडेड ग्रुप इंट्रैक्शन, आप पहली गाइड करोगे किस कितना करना है, ठीक है, इंट्रैक्शन, यानी कि सब एक दूसरे से प्यार ही करने लग गए वहाँ पे, कपल्स बन गए सारे। फिर उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन, ये मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल में से एक है। फिर अगला प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबल फंक्शन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी बताया फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए। फिर उसके बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फिर उसके बाद अगला है डेमोक्रेटिक ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। और कौन सा रह गया, आठ हो गए, नौवा प्रिंसिपल यह है आपका प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस, और लास्ट में हो गया आपका इवेल्युएशन। कितने आसान इसके हैं, ठीक है। सोशल केस वर्क के थोड़े टफ थे,
इसके तो बहुत आसान है, तो ये इनसे कुछ भूल भी जाओ, 8 लिख दो, 5 लिख दो, 5 से कम मत लिखना, ठीक है। और किसी को भी एक्सप्लेन कर दो। कभी कभी क्या होता है, वो किसी एक प्रिंसिपल को पहले से लिख के एक्सप्लेन कराते हैं, ज़्यादातर इसको कराते हैं कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन को। सीधे बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन इन सोशल ग्रुप वर्क, प्लीज एक्सप्लेन, 15 नंबर में, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा याद रखना, और उसके बाद जिसको याद रखना है, ये पर्पसफुल वर्कर ग्रुप रिलेशन, ठीक है। बाकी तो जैसा नाम है आप कर ही दोगे, इसमें थोड़े एक दो एग्जाम्पल भी डाल देना, काम हो जाएगा। तो ये हो गए प्रिंसिपल सारे खत्म।